नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। कांग्रेस का बड़ा हमला, रिजर्व बैंक बन गया है रिवर्स बैंक। कांग्रेस ने नोटबंदी पर लगातार बदले जा रहे नियमों पर बुधवार को रिजर्व बैंक पर भी तंज कसा और कहा कि रिजर्व बैंक नियम बनाकर उन्हें वापस लेने वाला बैंक बनकर रह गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने एक समाचार चैनल से कहा कि दुर्भाग्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को 500 तथा 1000 रुपए के नोट बंद करने की सरकार की घोषणा के बाद से अब तक 126 नियम इस संबंध में जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने इसे हास्यास्पद स्थिति बताया और कहा कि आज ही रिजर्व बैंक ने 5000 रुपए से ज्यादा की राशि जमा करने को लेकर नया नियम जारी किया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने बंद किए जा चुके पुराने नोटों को 19 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा कराने के लिए लगाई गई कड़ी शर्तें दो दिन बाद ही वापस लेते हुए कहा है कि अब केवाईसी वाले खाते में बिना किसी पूछताछ के कितनी भी रकम जमा कराई जा सकेगी। आम आदमी पार्टी ने ग्राहकों पर 5000 रुपए से अधिक के पुराने नोटों को जमा करने पर लगाई गई पाबंदी को वापस लेने के लिए रिजर्व बैंक के फैसले को सबसे बड़ा मजाक करार दिया और मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोजाना उतार चढ़ाव के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के बाद के 42 दिनों में 60वीं बार रिजर्व बैंक के अध्यादेश जारी कराकर सरकार ने फैसला बदला। रिजर्व बैंक के बार बार नियम बदलने से बैंकों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी गंगा की तरह पवित्र, राहुल के आरोप आधारहीन, भाजपा। नोटबंदी के बाद कम हुआ कार्ड से भुगतान, हिम्मत है तो हम सभी को गिरफ्तार कीजिए, ममता बनर्जी। कश्मीर में आतंकवादी हमला, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। और अंग्रेजों ने भारत को सबसे गरीब देश बनाया, कहा थरूर ने।